सो गाइज वेलकम टू माई चैनल टिक्सविल्स और आज हम करने वाले हैं इसको अनबॉक्स। और क्या है ये वो आपको वीडियो के टाइटल्स में मालूम चल ही गया होगा। ये है हमारे BMW G310R के लिए LED वाला लोगो। सो हम पहले इसको अनबॉक्स करेंगे, क्वालिटी कैसा है इसका, क्या है, कैसे इंस्टॉल करना है, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम जाएंगे सीधा यहाँ के लोकल एसेसरीज शॉप पे और वहाँ पे जाके हम इसको हमारे बाइक में इंस्टॉल करवाएंगे। BMW का लोगो जो बाइक में ओरिजिनल जो लगाया हुआ होता है वो ही रहेगा, उसके नीचे ये इंस्टॉल करने का है हमें। और ये जो पूरी लाइट है वो यहाँ पे पूरी LED लाइट दी गई है, इसके ऊपर आएगा हमारा BMW का लोगो। सो लोगो के पीछे साइड में लाइट हमें दिखेगी। सो दो साइड का दो लाइट्स हैं और ये हमें दिया गया है एक अच्छी क्वालिटी का स्विच जो ये हमारे हैंडल पे लगेगा और हम हैंडल से इसको स्विच से ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। सो भी आपका जो लोकल एसेसरीज वाला है वहाँ पे हम जाएंगे और इसको हम इंस्टॉल करवाएंगे, देखते हैं कैसा लुक हमें मिलता है इंस्टॉल करने के बाद। सो बने रहे वीडियो पे, पूरा वीडियो देखे। और गाइज अगर आपको इसके बारे में कुछ भी डिटेल्स चाहिए, मतलब मैंने कहाँ से बाय किया, कितने में बाय किया, क्या इसका प्राइस है, कैसे इसको इंस्टॉल करना है, वो कुछ भी आपको अगर डिटेल्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको बाय के लिए लिंक्स भी दे दूंगा और कितने में आया जो भी आपको डिटेल चाहिए वो मैं आपको देने की ट्राई करूंगा। सो गाइज BMW के जो लोगों की हमने LED मंगवाई थी वो आज मैं इंस्टॉल करवाने के लिए जा रहा हूँ। अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने 2 दिन पहले बनाया था, आज 2 दिन के बाद मैं वो इंस्टॉलेशन करवाने के जा रहा हूँ। सो हाँ, हमारा लोगो, सॉरी लोगो का LED और ये रही हमारी BMW, इसको लेके हम जाएंगे। सो ये जो लोगो है BMW का लोगो वही रहेगा, इसके नीचे सिर्फ ये वाला जो LED वाला जो रिंग है वो आएगा। सो अभी चलते हैं हमारे भाई की दुकान पे। गुज़ा, हमारी गुज़ा वहाँ पे खड़ी है और अभी BMW लेके जा रहे हैं, तो सीधा मिलते हैं। अभी एक्शन कैमरा नहीं लिया है मैंने, सो अभी सीधा मिलते हैं दुकान पर जाके। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपने बाइक की शॉप पे। सो अभी काम चालू कर रहे हैं तो पहले ये वाला हमें पार्ट खोलना पड़ेगा, तो चलो खोलते हैं इसको।
तो गाइस कुछ इस तरह हमने BMW का ओरिजिनल लोगो निकाल दिया है, ये दोनों साइड के लोगो जो हमने निकाल दिए। अभी उसमें पीछे के साइड LED का जो रिंग है वो इंस्टॉल करने का हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। तो गाइस अभी LED का हमने काम चालू कर दिया है, सो इसको कैसे इंस्टॉल करना है, कहाँ पे ज्वाइन करना है, क्या करना है वो भी हम देखेंगे। तो गाइस ऑलमोस्ट काम हो चुका है, ये लास्ट वाला जॉइंट करना बाकी है। अभी चेक करते हैं स्टार्ट होती है नहीं होती। ओके हो गई गाइस। तो कुछ इस तरह की लाइट हमें दिखेगी, और ये जो स्विच है उससे आप ऑन ऑफ तो कर ही सकते हो, लेकिन जितनी बार आप ऑन ऑफ करोगे उतनी बार अलग अलग मोड्स आपको देखने के मिलेंगे। ये देखो गाइस अलग अलग मोड्स है लाइट्स के, तो दोनों साइड के आप अलग अलग मोड्स आप चेंज कर सकते हो। ये 15 या 16 टाइप्स के अलग अलग मोड्स आपको दिए गए, लाइट एक ही रहेगा, ब्लू लाइट ही आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ उसमें मोड्स चेंज होते रहेंगे। तो गाइस चेकिंग हो चुका है, लाइट बराबर से काम कर रही है, सिर्फ अभी लोगों के नीचे लगाना कैसे वो हम देखेंगे। तो गाइस लगाना एकदम सिंपल है, लाइट के ऊपर आपको लोगों को कुछ इस तरह से सिर्फ प्रेस ही करना है। गाइस देख सकते हो हमने पूरा लाइट लगा दिया है लोगों के नीचे, और लगाने के बाद कुछ इस तरह का लुक मिलेगा हमें। तो गाइस अभी लाइट्स ऑन करके देखते हैं। देखो गाइस बहुत बढ़िया लुक आ रहा है, और नाइट में तो और भी ज्यादा ये अच्छा दिखने वाला है। और उसका जो स्विच था वो हमने हैंडल पे कुछ इस तरह से लगाया है, उल्टा लगाया है ताकि बारिश का पानी उसमें जाए नहीं और वो ख़राब ना हो जाए, इसलिए कुछ इस तरह से हमने उसको पैक भी कर दिया है ऊपर से और उल्टा उसको लगाया है। अभी गाइस जो लोगो था वो हम LED के साथ बाइक की बॉडी पे हम लगा रहे हैं। फाइनली काम कंप्लीट हो चुका है और लग चुका है हमारा LED वाला लोगो। तो दिन में कुछ इस तरह का लुक हमें मिलेगा, अभी साइड से आपको दिखा था उस साइड से कैसा दिखेगा। तो गाइस साइड से कुछ इस तरह का लुक हमें मिलेगा, अभी दिन में लाइट थोड़ा कम दिख रहा है, नाइट में ज़्यादा दिखेगा। ये मेरे व्यू को भी बहुत पसंद आया,
और ये देखो गाइस, अपनी बाइक BMW की है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट एड किट आता है वो TVS का आता है, क्योंकि हम सबको मालूम है कि ये दोनों का कंबाइन प्रोजेक्ट है। और देख लो गाइस, नाइट में क्या लुक मिलेगा हमें। तो फाइनली हमने BMW का लोगो रोशन कर दिया है। मुझे तो बहुत बढ़िया लगा गाइस ये लुक। आपको कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये अलग अलग मोड्स में कुछ इस तरह से दिखने वाला है, लेकिन मेरा जो फेवरेट मोड रहेगा वो रहेगा वो पार्किंग वाला, तो मोस्टली मैं ज़्यादातर वही में यूज़ करने वाला हूँ। तो गाइस मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद।